अस्सलाम वालेकुम। एक नया वीलॉग के साथ और एक नया रेसिपी के साथ, और ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। और आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बन के आपके सामने आएगा। और रियली बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी बनेगा। सबसे पहले चीज़ों की तरफ चलते हैं। चीज़ें जो है ना, सबसे पहले मैं चिकन ही यूज़ कर रही हूँ। हाफ चेस पीस लिया है मैंने, चेस पीस का भी जो हाफ लिया है। लहसुन जो है ना, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। लेमन जूस है 2 टेबल स्पून है। और ये आप मिसाले देख रहे हैं, मैंने एक प्लेट में रखा हुआ है। मैं बताती हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च जो है ना, मैंने 1 टीस्पून ली है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ली है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ली है। सूखा धनिया पिसी हुई 1 टीस्पून ली है। काली मिर्च आधी टी स्पून ली है। हल्दी जो है ना बिल्कुल टी स्पून से भी हाफ लिया। और नमक जो है ना हसबे जायका लिया है। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डालूंगी, और लहसुन डालने के बाद जो है ना लेमन जूस डालूंगी। उसके बाद सारा मसाला इसमें डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए पूरा 1 आवर के लिए रखूंगी। जितना मैं डो को रखूंगी ना 1 घंटे के लिए, तो इसलिए चिकन को भी जो है ना 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चलते हैं डो की तरफ। डो में सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, 3 कप मैदा लिया है मैंने। और 1.5 स्पून जो है ना, 1.5 टेबल स्पून मैं ईस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा पैकेट में बचा हुआ है वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें। और 1 टीस्पून जो है ना नमक मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। और बेकिंग पाउडर भी जो है ना आपने यूज़ करना है इसमें। पिच आपने लेके बेकिंग पाउडर डालना है इसमें। 1 टेबल स्पून जो है ना कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। आपने ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और 1 अदद अंडा इसमें मिक्स करना है। और इसको आपने गूंदना है, अच्छी तरह गूंदना है। और उसके बाद ये देख ले, मैं इसको गूंद चुकी हूँ। गूंदने के बाद इसकी जो है ना वो ऑयल से थोड़ा सा इसको कवर करना है। अभी आप देख रहे हैं कि इसको मैं ऑयल लगा रही हूँ इसको। और इसके बाद इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। जी डो मेरा फूल चुका है, 1 घंटा हो गुजर गया है। तो अभी हम चिकन निकाल के इसको फ्राई करते हैं। चिकन के लिए मैंने ऑयल जो है ना 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना, 2 टेबल स्पून के बाद आपने इसको फ्राई करना है। और ये पक जाएगा, इसका पानी भी खुश्क करना है। और ये देखें, चिकन मेरा रेडी हो चुका है। और अभी एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, पिज़्ज़ा चीज़ जो है ना वो भी आपने ज़रूर यूज़ करना है। और वो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिज़्ज़ा चीज़ क्यों यूज़ करना है आपने। और एक और आपने सॉस बनाना है मेयोनीज़ का। हर किसी के घर में मेयोनीज़ तो होता है। उसमें आपने मेयोनीज़ लेना है, 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ले लें। और उसमें 1 टीस्पून जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च आपने डालना है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, आप ऐसे भी मेयोनीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मगर डो रेडी हो चुका है, 1 घंटा गुजर गया। अभी डो को जो है ना मैं ऑफ कर दूँगी, 2 पेड़े बनाऊँगी। ऑफ जो है ना, सबसे पहले इसको बेल के रोटी के जैसे गोल सा इसको बेकिंग ट्रे में लगाऊंगी। बेकिंग ट्रे जो है ना मैं मीडियम साइज़ यूज़ कर रही हूँ। और पहले इसमें ऑयल लगाया, फिर मैंने इसमें डो का वो रोटी डाल दिया। अभी इसमें मैं मेयोनीज़ लगा रही हूँ, जो मैंने मेयोनीज़ रेडी किया था। इसके ऊपर मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन के बाद जो है ना मैं पिज़्ज़ा चीज़ डाल रही हूँ। और पिज़्ज़ा चीज़ डालने के बाद जो है ना हाफ जो डो बचा के रखा हुआ था मैंने, उसको मैं बेल के इसके ऊपर दोबारा लगाऊंगी। जी आपने देख लिया था कि मैंने हाथ से जो है इनको शेप दी है, बर्गर फॉर्म में या सैंडविच फॉर्म में आप जो भी कहें।
और इसके बाद मैं जो है ना इसको मैं अंडा पेंट करके अंडा लगा रही हूँ, और अंडा लगाने के बाद जो है ना मैं इसके ऊपर टॉपिंग करूँगी कुलंजी से और तिल से, क्योंकि ये कुलंजी और तिल से जो है ना खूबसूरत लगेंगे। और ये मैं कुलंजी से टॉपिंग कर रही हूँ, और उसके बाद जो है ना इसको मैं बेक होने के लिए रखूँगी 180 सेल्सियस पे रखना है इसको आपने, बेक होने प्री हीट ओवन में रखना है इसको आपने, पहले ओवन को 10 मिनट्स के लिए हीट पे प्री हीट करना है, और 180 सेल्सियस पे आपने इसको रखना है फॉर 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स के बाद जो है ना आपके सैंडविच या चिकन ब्रेड सैंडविच या चिकन ब्रेड बर्गर्स आपके रेडी, ये देखें ये मेरे रेडी हो चुके हैं। मगर इसके बाद जो है ना मैं इसमें फिर जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ डालूंगी, जो मैंने हाथ से निशान लगाए थे उसी लाइंस में मैं पिज़्ज़ा चीज़ डाल रही हूँ, और साथ जो है ना धनिया डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा धनिया डालना है, आप थोड़ा सा कम डाल दें, और इसको मैं फिर रखूँगी फॉर 5 मिनट्स के लिए ताकि चीज़ जो है ना वो मेरा मेल्ट हो जाए। साथ साथ आपने ज़रूर देखे, ये देख लें ये मेरा रेडी हो चुका है चिकन ब्रेड सैंडविच या चिकन ब्रेड बर्गर, जो भी आप कहना चाहें। और इसके बाद थोड़ा सा आप ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आपने इसको काटना है जिस लाइन से आपने हाथों से वो बनाए हुए थे निशान, उसी से आपने इसको कट करना है। कट करने के बाद जो है ना आप सर्व करें अपने गेस्ट्स को, और रियली इतने मज़े का बनेगा, इतना टेस्टी। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपने ट्राई किया है तो कैसा बना है, और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको नए रेसिपीज़ मिले और मज़ेदार रेसिपीज़ मिले। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, किसी और दिन मिलूंगी किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।